बहसबाजी हुई, बहसबाजी में हम जीत गए। हम जीत का परचम लेके सीढ़ी से उतरते रहे कि ऊपर की 14 सीढ़ी से हम डायरेक्ट नीचे चले आए लड़खड़ाए के। जब हम गिरे तो सर के बल गिरत रहे, जब सर के बल गिरत रहे तो ओका हाथ सर बचाए के चक्कर में सीधा हाथ रख दिया। तो जब सीधा हाथ रखा तो सारी हड्डी पटपटा के टूट गई। फिर हम कस के चिल्लावा अपने मियाँ कस के, हेलो दोस्तों कैसन बा, आज हम आपको अपनी हाथ टूटे की कहानी बताई थी जो थोड़ी बहुत मजेदार हो। ठंडी का दिन रहा, 13 जनवरी रही, हम छत पे और हमारा मियाँ छत पे धूप से कतरा। हम दोनों में बहस हो गई धूप से कत से कत, हम दोनों में बहुत बहसबाजी हुई, बहसबाजी में हम जीत गए। हम जीत का परचम लेके सीढ़ी से उतरते रहे कि ऊपर की 14 सीढ़ी से हम डायरेक्ट नीचे चले आए लड़खड़ाए के। जब हम गिरे तो सर के बल गिरत रहे, जब सर के बल गिरत रहे तो ओका हाथ सर बचाए के चक्कर में सीधा हाथ रख दिया। तो जब सीधा हाथ रखा तो सारी हड्डी पटपटाए के टूट गई। फिर हम कस के चिल्लावा अपने मियाँ कस के पुकारा, तो हमारे घर का दरवाजा खुला रहा, वहाँ से कूड़ा वाला जावा तरह वो हमका देख के हमको उसी हाथ से जौन टूटा रहा उसी हाथ से पकड़ के हमका उठाए लगा। हमारा वजन भारी, जब वो हमका उठाई तो हम और कस के चीखा, तो वो हमका चीखत देखते हुए छोड़ दीस। फिर हमारा मियाँ ऊपर से कटकटाए के नीचे आवा, पूछिस का हुआ, हमने कहा देखत नहीं रुका कि गिर गए। उधर से अड़ोसी पड़ोसी भी चले आए, हमारा हाथ पूरा लटक गया रहा। हम हाथ को एक हाथ से पकड़े रहे और हम कहें अब बहुत दर्द करता है, लगा था टूट गया है। तो वहाँ पे वसीम भाई खड़े रहे, वो कहें कि जाओ वैद्य के पास चली जाओ, वो खपाची लगाए के जोड़ देगा। हम रोवत रहे सोचत रहे करें का, फिर हम कहा कि हम तो डॉक्टर के पास जाऊब। वहाँ पे हमारी बहन भी थोड़ी दूर पे रहत रही, हमारा मियाँ उसको बुलवाई, इसका जाओ उसको इसकी बहन का बुला लाओ। हमारी बहन हाथ में रुबट्टा उपट्टा और गले से बांध दी, इसके हाथ सीधा रहे। हम जहाँ रहत रहे वहाँ जंगल टाइप रहा, वहाँ भी नई नई बस्ती बसत रही, सड़क बनी नहीं रही। फिर हम डॉक्टर के पास पहुँचे, जब डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो वहाँ एक्सरे हुआ। जब एक्सरे होके पता चला कि 5 जगह से हड्डी टूट गई हमारी, तो फिर अब प्लास्टर बांधे की बारी आई। हम हाथ में इतनी हमका दर्द होत रही कि हम कौनों को हाथ नहीं छुए दे रहे। सब कहें कि आओ चलो प्लास्टर बांध दे, हम कहें कि हम ना बंधवाओ, तुम लोग हमका आओ परेशान कर बो, हमरे बहुत दर्द हुई। हम खूब कस कस के उनको चिल्लाया, हम कहा अगर उन लोग कहीं नहीं दर्द हुई, मगर हम कहा अगर हमका दर्द हुई तो तुम लोग का यहाँ गोली मार दे, अगर ना दर्द हुई तो तुम लोग का कोल्ड ड्रिंक और मिठाई पिला के जाओ। उन लोग को ठीक है पहले अंदर तो चलो, हम कहा पहले हमका दर्द की सुई लगाओ, हमरे बहुत दर्द होता है। फिर उन लोग हमका दर्द की सुई लगाई, फिर हमने प्लास्टर बांधी, फिर उसके बाद डॉक्टर आवा। डॉक्टर का टाइम रहा नहीं ठीक, तो बाद में आवा। जब वो आवा तो हमारा एक्सरे देखे, जब एक्सरे देखे तो कही की बुलाई हमका अंदर और हमारे मियाँ का, और कही 5 जगह से टूटी है। तो हमने कहा अच्छा, तो हम पूछा डॉक्टर अब कहाँ हुई, तो डॉक्टर कही इसकी ऑपरेशन हुई। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो बताओ कितना पैसा लागी, कही इसकी 1.5 लाख रुपया लागी। हमने कहा अच्छा, तो मैं हॉस्पिटल का खर्चा हुआ बेड वेड का, कहीं नहीं सिर्फ ऑपरेशन का है, बेड का दवा का अलग लागी। अब हम अपने मियाँ का चेहरा ताके लागे और हमारा मियाँ हमारा चेहरा ताके लगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन फिर कब होई, तो कहीं जब पैसा जमा कर दोगी तब हो जाएगा, अब ये भर्ती हो जाओ कल कर दे। हमने कहा डॉक्टर साहब 1-2 दिन का टाइम चाहिए, तो कहीं अच्छा ठीक है। हमने कहा पहले सोच ले, 1 दिन की दवा आप लिख दिए, तो वो लिख दी। फिर ओके बाद जब हमका हाथ में बिल मिला
तू 5,000 रुपया प्लास्टर का, एक्सरे का और दवा का और हमरे पास टोटल रहा 10,000 रुपया जिम्मे ऑपरेशन कराए का भी रहा। अब फिर बाहर निकले तो हम अपने हस्बैंड से रोए लागे कि अब का होई, 5,000 तो यहीं खत्म हो गया, 5,000 रुपया बचा है। अब हम लोग फिर दूसरे वाले घर गए अपने ससुर के पास। जब ससुर के पास पहुंचे, ऊपर वाले ऊपर गए तो देखा वो धूप सेकत रहे, वो धूप में सेकते हुए अपनी बीवी से बतियात रहे आसमान देखत हुए। वो हमका देखनी नहीं कि हम आए, हम उनके पैतियाने बैठ गए कुर्सी पे। वो अपनी बीवी से चटकारा लेके बात करत रहे कि इन लोगों को मना किया रहा कि मार्बल्स न लगाओ सीढ़ी पे, और लगवाए नहीं, न गिर गई, और देखो ऐसा ही होता है जब नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद हमका देखी तो चकबकाए गए कि ई ले ई तो यहाँ बैठी है, सुन ली सारी बात। फिर अपनी बहू से कहा था ले तुम्हारी बहू आ गई है, तो हमारा सास कहा थी फोन पे, हमारी सास मुंबई में रही अपनी बिटिया पास, कहीं कि लाओ बात करवा दो हमसे बात करें। कहीं हाँ का है टूट गया, हमने कहा हाँ टूट गया है, तो कहीं अच्छा हाल चाल लीन। फिर ससुर का दे दीन, फिर ससुर बात कट कट काट दीन। फिर हम उनका बतावा कि 1.5 लाख लगी, हमारे पास पैसा नैना, तो कहीं ठीक है पैसे का इंतजाम करो, फिर हम आधा पैसा दे। एक बात की कहानी हम आपको अगली बार बताऊं।